बरेली में डीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश के सबसे बड़े ग्राम्य वन का शुभारंभ किया है। आपको बता दें 2200 बीघा जमीन पर ग्राम्य वन का बनाया जाएगा, जो इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। वहीं 5000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। डीएम ने बताया कि यहां सरोवर, मिनी गौशाला, लैंडस्केप, वॉकिंग ट्रैक भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा ग्राम्य वन में छोटी छोटी नहरें बनाई जाएंगी। वहीं 10 हेक्टेयर में मियावाकी पैटर्न पर वृक्षारोपण किया जाएगा। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि बरेली में करीब 500 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली गई है, जिसका वनीकरण किया जाएगा। डीएम ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत इसमें कार्य कराया जाएगा, इससे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। जिला प्रशासन के उपलब्ध संसाधनों के समन्वय से इसे तैयार किया जाएगा। वहीं आंवला के भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि ग्राम्य वन से इस क्षेत्र के विकास के रास्ते खुलेंगे। इसमें हम लोगों ने 150 हेक्टेयर जमीन हम लोगों ने निकाली है, ग्राम समाज की जमीन थी, उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा था, तो उसको हम लोगों ने वन डेवलप करने के लिए प्रयास किया है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ग्राम्य वन के रूप में हम लोग सोच रहे हैं कि उसको एक पहचान मिले और उसमें टूरिज्म के सर्किट के रूप में उभरेगा वो। और वहाँ हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था किया है और सभी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन करते हुए प्रोजेक्ट्स को सम्मिलित किया है। हम लोगों ने कन्वर्जेंस करने का प्रयास किया, उसमें वन विभाग, भूमि संरक्षण इकाई, उद्यान विभाग, अन्य सभी विभागों को हम लोगों ने कन्वर्जेंस करके एक प्रदर्शन केंद्र के रूप में होगा और टूरिस्ट स्थल के रूप में ये उभरेगा, ऐसी हम लोगों की कार्य योजना है। इसमें हम लोग तालाब डेवलप करेंगे, लेक्स होंगे और चैनल्स होंगे, वाटर ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा से बनाया जाएगा। उसमें पूरा जो अप्रोच हम लोग का है कि वहाँ के कृषकों को जोड़ेंगे हम लोग साथ में टूरिज्म में, उन लोग को भी, इको टूरिज्म को भी हम लोग इसमें रख रहे हैं और हट्स वगैरह बनाए जाएंगे। उसमें कृषकों की जो गांव के लोग हैं उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी, इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे उनके लिए और उनको भी हम इको टूरिज्म के साथ जोड़ेंगे। उनको वो अपने हट्स को भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको लोग टूरिस्ट लोग उसको प्रयोग करते हैं।